गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम 3D ड्राइंग में फ्लोटिंग लेटर ए, हम ए अल्फ़ाबेट को इसको 3D बनाएंगे। आज हम सीखेंगे 3D बनाना लेटर को। बड़ा इजी मेथड है और अगर आप स्टेप बाय स्टेप बनाओगे इसको तो आपको भी बड़ा इजी लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने एक 3D बनाने के लिए एक अल्फ़ाबेट ड्रॉ किया, ये आपको ड्रॉ करना तो आ ही गया है पहले से ही, तो इसको हम 3D बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट के जो ये कॉर्नर है इनको हम एक एंगल तक डाउन करेंगे। देखिए, किसी एक एंगल पे हमने इसको डाउन करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इनको एक ही एंगल से डाउन किया है और इसको भी उसी एंगल से मैंने डाउन किया है। देखिए, ठीक है, ये सारे पॉइंट जितने भी हैं इसके एक ही एंगल पे ये डाउन जाएंगे। ये हो गए। अब इनकी मोटाई देने के लिए आपने मान लो इतनी इसकी मोटाई देनी है एक ही, तो हमने यहाँ से इसको काट दिया है। ठीक है, और ऐसे ही इसको इसी एंगल में हमने इसको काट दिया है और ये ऐसे स्ट्रेट। ठीक है, अब यही एंगल आपका यहाँ जाएगा और इसी एंगल में आपने इसको ये काट लेना है। देखिए, ये हमारा यहाँ तक हो चुका है। ठीक है, हमने ये बनाया जो इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। अब इनको थोड़ा सा हमने इन शेप को हल्का सा डार्क कर लेना। ठीक है, इसको भी डार्क कर लेते हैं। इस पार्ट को भी डार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो चुका हमारा। अब देखिए, इसी एंगल पे, जिस एंगल पे हमारा ए बना था, इसी एंगल पे हमने इसको फिर से एक ए और बनाएंगे इसमें। हमारी जो ये लाइन थी
एक ए और हमारी बन जाएगी अब यहाँ पे। इसको हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ये देखिए बाकी लाइनों को हम इरेज कर देते हैं। अब ये हो चुका है। ये जो नीचे बना है इसको हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ये डार्क आप किसी कलर के साथ भी कर सकते हैं या पेंसिल शेडिंग के साथ भी कर सकते हैं। ये पार्ट हमारा डार्क हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पे एक निशान लगाएंगे हल्का सा, और एक निशान यहाँ पे लगा देते हैं हम नीचे, ठीक है। इस हिस्से को हमने कट करना है, आप यहाँ से यहाँ तक ऐसे इसको काट लेना है यहाँ से यहाँ तक का। ये देखिए हमने इन कॉर्नरों को कट कर दिया है। अब इसको देखने से आपका ये बिल्कुल 3D लुक आएगा। देखिए ऐसे लग रहा है मानो ये जो ए है फ्लोटिंग कर रहा है हवा में। देखिए कितना इजी था ये बनाना। इसको थोड़ा सा और डार्क अगर हम करें, देखिए आज हमने सीखा अल्फाबेट ए को फ्लोटिंग, इसको 3D लुक में बनाने के लिए। देखिए आई होप सभी बच्चों को अच्छे से ये मेथड समझ में आया और सभी बच्चे ये जो टेक्निक है 3D बनाने वाली इसको बनाएंगे। देखिए कितना इजी मेथड है ये। तो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया और सारे बच्चे अच्छे से इसको बनाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।